नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे इलिश माछ की स्वादिष्ट रेसिपी। हमारी रेसिपी सभी की रेसिपी से अलग होगी, लेकिन यकीन मानिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी अगर हमारी रेसिपी एक बार आप ट्राई करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो हम बनाएंगे आज हाफ किलो मछली को। तो पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच के बराबर, और डाल देंगे आधा छोटी चम्मच के बराबर नमक। साथ में डालेंगे एक छोटी चम्मच सरसों का तेल। अब हम अब सारी सामग्री को मछली के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इधर तेल को हमने गरम कर लिया है और मछली को डाल देंगे तेल के अंदर और हल्की लाल होने तक तल लेंगे। आप अपना पसंदीदा तेल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस इतना ही लाल रखना है। अब मछली को निकाल लेंगे। इसी तरह सारी मछली तल लेंगे। मसाले में है 2 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच काली सरसों, 1 लहसुन की गांठ, 5 काजू, 1 छोटी चम्मच पोस्तदाना, आधा छोटी चम्मच नमक। अब हम सारे मसाले का पेस्ट बनाएंगे। मछली हमने तल लिया है, तेल में डाल देंगे काली जीरा आधी छोटी चम्मच और 1 हरी मिर्च। जब मसाले अच्छे से चटक जाएगी, डालेंगे 1 टमाटर का पेस्ट, 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट बाद डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब अच्छे से मिलाएंगे, 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम डालेंगे सारे मसाले का पेस्ट। मिक्सी जार में थोड़ी सी और मसाले लगी है, उसमें पानी डाल करके हम डाल देंगे। डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। हमने मसाले का जब पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ी सी नमक डाल करके पेस्ट बनाया था, इसलिए नमक को अंदाज़ से डालिएगा। तो मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाले अच्छे से पक चुकी है। आपको भी ठीक ऐसे ही मसाले पकाना है ताकि मसाले अच्छे से तेल छोड़ दे। जब मसाले अच्छे से पक जाएगी तो डाल दीजिएगा पानी, जितना ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एक बार हमारी इस रेसिपी को अपना घर पर ज़रूर बना करके खाएं और अपने परिवार को खिलाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगी। अब हम तले हुए सारे इलिश मछली को डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। अगर रेसिपी हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को एक लाइक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी रेसिपी को आप जितना शेयर कर सके उतना ज़रूर कीजिएगा। सारी मछली डालने के बाद हमने इसमें 1 हरी मिर्च को डाला है। अब ढक देंगे बॉईल होने के लिए। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। तो मछली को इस तरफ से हम उस तरफ पलट देंगे। सारे मछली को अच्छे से पलट देंगे। ये जो इलिश माछ है, इस मछली को खाने से शरीर में दर्द होता है। जिनको शरीर में दर्द है, बात का बीमारी है, वो इस मछली को बिल्कुल भी ना खाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये मछली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जिन्होंने खाया है उनको मालूम ही होगा कितना स्वादिष्ट लगती है। तो सारे मछली को हमने अच्छे से उलट पुलट कर दिया है। अब गैस की आंच को मध्यम रख करके ग्रेवी को गाढ़ी होने तक पकाएंगे। बस देखिए ग्रेवी जो हमारी है, जितना गाढ़ी हमें चाहिए उतना गाढ़ी हो चुकी है। बस अब हम इसे बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। गर्मा गर्म इलिश माछ का करी बन करके तैयार है। आप खाएं और अपने परिवार को खिलाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगी। और आप कैसे बनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।